नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। गुनाह की फहरिस्त में यूं तो हिंदुस्तान में कई ऐसे नाम हैं जिन्हें कुख्यात बदमाशों के नाम से जाना जाता है, और अक्सर जब नाम सामने आते हैं वो पुरुषों के होते हैं। ऐसा नहीं कि महिलाएं कुख्यातों की फहरिस्त में ना हो, लेकिन तादाद कम है। चलिए आज आपको बताते हैं एक उस महिला की दास्तां जिसे उसके जुर्म पर फांसी दी जाएगी। दरअसल माना यह जा रहा है कि जिस महिला को फांसी दी जाएगी वो हिंदुस्तान की पहली महिला होगी, और जिस पर जुर्म ये कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर परिवार के सात लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। माना जा रहा है कि दोषी महिला को मथुरा की महिला जेल में बने फांसी घर में अंतिम सांस दी जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर गुनाह की इबारत कैसे लिखी गई। दरअसल अमरोहा के बावनखेड़ी गांव की रहने वाली शबनम ने 15 अप्रैल साल 2008 को अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने पिता शौकत अली, मां हाशमी, भाई अनीस अहमद, उसकी पत्नी अंजुम, भतीजी राबिया और भाई राशिद के अलावा अनीस के 10 महीने के बेटे अर्श की हत्या कर दी थी। सभी को पहले दवा देकर बेहोश किया गया और इसके बाद अर्श को छोड़कर दूसरों को कुल्हाड़ी से काट डाला था। शबनम ने अर्श का गला दबाकर उसे मौत की नींद सुलाया था। इस घटनाक्रम के बाद 15 जुलाई साल 2010 को ट्रायल कोर्ट ने शबनम और उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी बरकरार रखी। शबनम ने बेटे का हवाला देते हुए माफी की मांग की थी, लेकिन 2015 सितंबर में यूपी के गवर्नर राम नाईक ने भी शबनम की दया याचिका को खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि शबनम अपने प्रेमी से निकाह करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले तैयार नहीं थे और वो उस वक्त गर्भवती थी, जिसके बाद लिखी गई जुर्म की कहानी। और फिर शबनम और सलीम ने परिवार के सात लोगों को मौत के घाट सुला दिया। 15 फरवरी को उसकी दया याचिका राष्ट्रपति ने भी खारिज कर दी। शबनम अभी रामपुर जेल में बंद है, जबकि उसका प्रेमी आगरा जेल में। हालांकि यह साफ नहीं कि शबनम को फांसी कब होगी, लेकिन खबर यह जरूर है कि फांसी घर की मरम्मत और फंदे के रस्सी का ऑर्डर दे दिया गया है। और साथ ही मेरठ में रहने वाले पवन जल्लाद का कहना है कि मथुरा जेल के अफसरों ने उससे संपर्क किया है और जैसे ही बुलावा आएगा पहुंच जाऊंगा। आपको बता दें कि महिलाओं को फांसी के लिए मथुरा जेल में 1870 में फांसी घर बनाया गया था, लेकिन आजादी के बाद से इस फांसी घर में किसी को फांसी पर नहीं लटकाया गया। बहरहाल शबनम की फांसी की तारीख जो भी हो, लेकिन शबनम देश की वो महिला होगी जिसे हिंदुस्तान में पहली बार फांसी पर लटकाया जाएगा, और वाकई गुनाह भी ऐसा ही था। नमस्कार।